शिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर संतोष अरोरा आज आपके साथ अधिगम संसाधन के प्रकार, समय आरेख, पुस्तकें, समाचार पत्र और क्लिपिंग पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं समय आरेख की। समय आरेख घटनाओं की एक ऐसी सूची है जिसे कालक्रम में प्रस्तुत किया जाता है। समय आरेख इतिहास विषय के शिक्षण के लिए एक उपयोगी संसाधन है। समय आरेख के द्वारा हम विभिन्न कालखंड को एक लॉजिकल क्रम में, एक क्रम के अंदर प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इसके माध्यम से हम इतिहास की विभिन्न घटनाओं को एक कालक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना से लेकर 1950 में संविधान तक के काल घटनाओं को एक कालक्रम में प्रस्तुत किया गया है। समय आरेख के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न कालखंड को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। समय आरेख की इतिहास विषय में और जहां पर हमें कालक्रम की चर्चा करनी हो वहां इसकी बहुत उपयोगिता होती है। विकास संबंधी प्रत्ययों को बोधगम्य बनाने के लिए समय आरेख समय की समझ को छात्रों में विकसित करता है। इसके द्वारा छात्र कालचक्र के मध्य सहसंबंध को स्थापित कर पाते हैं। इसके द्वारा शिक्षक पूरी कक्षा का ध्यान अपनी विषय वस्तु पर आकर्षित कर पाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण अधिगम संसाधन है पुस्तकें। पुस्तकें विषय के विशेषज्ञों द्वारा, लेखकों द्वारा कक्षा विशेष तथा विषय विशेष के लिए तैयार की गई निर्धारित पाठ्य वस्तु है। पुस्तकें अधिगम संसाधन का एक बहुत ही सरल, सुगम, सहज उपलब्ध संसाधन मानी जाती हैं। पुस्तकों की आवश्यकता शिक्षकों को और छात्रों को, दोनों को होती है। पहले हम बात करेंगे कि ये पुस्तकें शिक्षकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। प्रत्ययों का परिचय प्राप्त करने हेतु एक शिक्षक को पुस्तकों का प्रयोग करना होता है। एक शिक्षक पाठ्यवस्तु में उपस्थित जितने भी प्रत्यय हैं उनको समझने के लिए वह पुस्तकों का सहारा लेता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक अधिगम सामग्री को क्रम में प्रस्तुत करने के लिए और व्यवस्थित रूप से कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए पुस्तकों का सहारा लेता है या पुस्तकों का प्रयोग करता है। पाठ्यवस्तु में एक रूपता लाने के लिए शिक्षक पुस्तकों का सहारा लेता है या पुस्तकों का प्रयोग करता है। शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में शिक्षण के दौरान कई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ता है। अपनी सूचनाओं को और विषय वस्तु को वह कई स्रोतों से एकत्रित करता है। उनमें एक रूपता लाने के लिए शिक्षक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करता है। प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले अपनी पाठ्य योजना तैयार करता है। अपनी पाठ्य योजना को तैयार करने के लिए वह पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करता है। उसे पहले ही ये निर्धारित करना होता है कि कहाँ वो कक्षा के अंदर कथन देगा, कहाँ वो व्याख्या करेगा, कहाँ वो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेगा और किस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वो किस प्रकार की विधियों का प्रयोग करेगा। ऐसी कौन सी जगह होगी कक्षा में जहाँ वह छात्रों के बीच में अंतःक्रिया करेगा। यह सभी प्रतिदिन की पाठ्य योजना के लिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए या इन सभी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए शिक्षक पाठ्यपुस्तक का सहारा लेता है या पाठ्यपुस्तक का उपयोग करता है। जहाँ पुस्तकें अध्यापकों के लिए या शिक्षकों के लिए ज़रूरी है वहीं इसकी उपयोगिता छात्रों के लिए भी होती है। जैसे कक्षा में जाने से पहले की तैयारी एक छात्र पुस्तकों के द्वारा कर लेता है। कक्षा में जाने से पूर्व छात्र पहले ही विषय वस्तु को पढ़ लेता है, उसके प्रत्ययों को समझ लेता है। पढ़ने के बाद, पूर्व में ही पढ़ने के बाद या पूर्व में ही अध्ययन करने के बाद
जब छात्र कक्षा में प्रवेश करता है या कक्षा में शिक्षण के दौरान सीखता है, तो वह शिक्षक द्वारा बताए गए ज्ञान को, बताई गई सूचनाओं को आसानी से ग्रहण कर लेता है। पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्र की समय व शक्ति की भी बचत होती है, क्योंकि पाठ्यपुस्तकें एक ऐसा साधन है जहाँ पर विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जब विषय वस्तु छात्र को एक क्रमबद्ध रूप में प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से छात्र की समय व शक्ति की बचत होती है। छात्र स्वयं अपनी कठिनाइयों को हल कर पाता है। इन पुस्तकों के माध्यम से छात्र स्वयं अपनी कठिनाइयों को हल कर लेता है। कक्षा के दौरान छात्र को ऐसे कई घटक आते हैं, कई ऐसे कंसेप्ट और ऐसे प्रत्यय आते हैं जिनको समझने में छात्र को कठिनाई होती है। तो जब वो पुस्तकों का प्रयोग करता है या जब वो पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करता है, तो वह इन कठिनाइयों को दूर कर लेता है। और पुस्तकों में अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए होते हैं, इन्हीं पुस्तकों में संदर्भ सूची भी दी हुई होती है। यदि उसे कोई कठिनाई होती है, तो वो अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से या संदर्भ पुस्तकों के माध्यम से अपनी कठिनाइयों को दूर कर लेता है। ये पुस्तकें छात्र को गृह कार्य के लिए भी मदद करती हैं। छात्र को जो गृह कार्य विद्यालय से प्राप्त होता है, उसे वह पुस्तकों की सहायता से हल कर लेता है या पूरा कर लेता है। कई बार विद्यालय में छात्र को कई प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, कई असाइनमेंट दिए जाते हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए छात्र को पुस्तकों का सहारा लेना होता है। और ये पुस्तकें छात्र के समस्त गृह कार्य, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट को पूरा करने में मददगार साबित होती हैं। अब हम ये जानेंगे कि पुस्तकें होती कितने प्रकार की हैं। पुस्तकें प्राय दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पाठ्यपुस्तक और दूसरी होती है संदर्भ पुस्तक। पाठ्यपुस्तक वह होती है जिसका प्रयोग छात्र और शिक्षक पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु के अध्ययन हेतु करते हैं। संदर्भ पुस्तकें वह होती हैं जिसमें ज्ञान व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत होता है, जैसे एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी और ईयरबुक। ये सभी संदर्भ पुस्तकों की श्रेणी में आती हैं। अब एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो किसी भी पुस्तक का चयन करे, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वह छात्रों के लिए एक उपयुक्त पुस्तक का चयन कर सके। एक शिक्षक को पुस्तक की संरचना पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे जो शीर्षक पृष्ठ है पुस्तक का, वो उपयुक्त हो, वो ऐसा हो जो मजबूत हो, जिससे पुस्तक अधिक समय तक टिकी रहे। पुस्तक में अनुक्रमणिका भी होनी चाहिए, विषय सूची होनी चाहिए, पुस्तक में पृष्ठ संख्या होनी चाहिए। पुस्तक ना तो अधिक मोटी हो ना ही अधिक पतली हो। जो भी पुस्तक चयन की जाए, तो उसमें पृष्ठ संख्या इस प्रकार हो, अगर पुस्तक में अधिक पृष्ठ होंगे तो पुस्तक अधिक मोटी होगी, व उसमें कम पृष्ठ होंगे तो पुस्तक कम मोटी होगी। शिक्षक को पुस्तक का चयन करते समय इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक का आकार कैसा है। पुस्तक आकार में बहुत अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत अधिक छोटी होनी चाहिए। अगर पुस्तक आकार में बड़ी होगी, तो उसको बैग में रखने में और शेल्फ में रखने में कठिनाई होगी, और अगर छोटी होगी तो वो एक नॉवल जैसी दिखेगी, एक उपन्यास जैसी दिखेगी। अतः शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक आकार में ना तो बड़ी हो ना ही छोटी हो। एक शिक्षक को पुस्तक के कुछ यांत्रिक तत्वों की भी जानकारी होनी चाहिए। पुस्तक में जो कागज़ प्रयोग किया गया है, वो उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। पतला कागज़ नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसा कागज़ होना चाहिए जिसे मोड़ो तो वो टूट जाए। इसलिए कागज़ की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए। उसकी छपाई भी उत्तम होनी चाहिए, शब्द स्पष्ट होने चाहिए, अक्षर का आकार उपयुक्त आकार का होना चाहिए। अक्षर ना तो बहुत अधिक बड़े होने चाहिए, ना ही बहुत अधिक छोटे होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि अक्षर बहुत अधिक छोटे हों, तो छात्र का ध्यान पुस्तक को पढ़ने में नहीं लगता। पुस्तक पर
उपयुक्त मार्जिन होना चाहिए। मार्जिन इसलिए कि जब पुस्तक पर कवर चढ़ाया जाए तो शब्द छुपे नहीं। पुस्तक की बाइंडिंग भी उपयुक्त होनी चाहिए। पुस्तक की बाइंडिंग इस प्रकार की हो कि वो मजबूत हो। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पुस्तक को यदि फोल्ड किया जाए तो पन्ने उसके या पृष्ठ बाइंडिंग से बाहर आ जाए। एक पुस्तक संगठन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। उसका संगठन भी उपयुक्त होना चाहिए। जैसे पाठ्यपुस्तक में जो भी विषय वस्तु प्रस्तुत की गई हो वो क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत की गई हो। दूसरी बात यह कि पाठ्यपुस्तक के अंदर जो जानकारी दी जा रही है वो पूर्ण जानकारी हो। एक पाठ्यपुस्तक को अच्छा नहीं माना जाता जिसमें आधी अधूरी जानकारी होती है। पुस्तक के अंदर सारांश भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो तेज़ गति से सीखते हैं, उनकी सीखने की गति तेज़ होती है, तो उन्हें पूरे पाठ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो सिर्फ सारांश पढ़ के ही पाठ को ग्रहण कर लेते हैं। इसके उपरांत कई बार एक छात्र सारांश को पढ़ने के बाद में विषय वस्तु को व्यवस्थित कर लेता है, इसलिए पाठ के अंत में सारांश भी होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक की भाषा शैली सरल होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में उद्धरण होने चाहिए, उदाहरण होने चाहिए। एक अच्छी पुस्तक वही मानी जाती है जिसमें चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र और ग्राफ हों। पुस्तक के अंदर इनकी संख्या उपयुक्त होनी चाहिए। ये ना तो बहुत अधिक ज़्यादा होने चाहिए ना ही बहुत अधिक कम होने चाहिए। चित्र जो भी पुस्तक में प्रस्तुत किए जाएं वो शुद्ध होने चाहिए, सही जानकारी देने वाले होने चाहिए। जो चित्र पुस्तक में प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो रंगीन होने चाहिए और वास्तविकता के समीप होने चाहिए। जैसे चित्र, जैसी विषय वस्तु वास्तव में दिखाई देती है, पुस्तक के अंदर वैसे ही चित्र रखने चाहिए जो कि वास्तविक जैसे प्रतीत हों। एक पुस्तक शैक्षिक दृष्टि से भी अपनी उपयोगिता रखती है, इसलिए जब शिक्षक पुस्तक का चयन करे तो इस बात का ध्यान रखे कि वो ऐसी पुस्तक का चयन करे जिसमें अभ्यास प्रश्न हो, जिसमें की जाने वाली क्रियाओं के लिए निर्देश हो, उसमें सहायक पुस्तकों की सूची भी हो और परिशिष्ट भी हो। कई ऐसे दस्तावेजों का जिक्र पाठ्यपुस्तक में किया जाता है तो पुस्तक के अंत में वो दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे समाचार पत्रों पर। समाचार पत्र एक ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें व्यक्ति, स्थानों, घटनाओं से संबंधित विभिन्न जानकारियों का संग्रह होता है। सामाजिक अध्ययन विषय, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र विषय का समन्वय है, इसलिए इन विषयों से संबंधित प्रतिदिन की जानकारी एक शिक्षक को समाचार पत्रों के माध्यम से मिल जाती है। समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक, स्थानीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक। समाचार पत्रों की सामाजिक अध्ययन विषय में बहुत ही उपयोगिता है, क्योंकि यह पाठ्यवस्तु के प्रति रुचि पैदा कर देते हैं। जब छात्र समाचार पत्रों के माध्यम से किसी सूचना को ग्रहण करता है तो समाचार पत्र में कोई भी घटना का एक शीर्षक होता है, उसके घटना से संबंधित वहाँ पर फोटो होते हैं, कमेंट होते हैं और कुछ विशेष समाचारों को, विशेष सूचनाओं को बॉक्स में प्रकाशित किया जाता है। ये सभी ऐसे घटक हैं जो छात्र की विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करते हैं। भाषा व संप्रेषण की दृष्टि से भी समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छात्र में भाषा का विकास समाचार पत्रों के माध्यम से होता है। समाचार पत्र छात्र में भाषा का विकास ही नहीं करते, वरन अपनी बात को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता भी विकसित करते हैं। समाचार पत्र इसके अतिरिक्त छात्र में संपादन करने, समीक्षा करने जैसे गुणों को भी विकसित करते हैं। समाचार पत्र पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में छात्रों को भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राय समाचार पत्रों में वृक्षारोपण, सामुदायिक क्रियाएं
व खेलकूद के संबंधी समाचार भी छपते रहते हैं, जो छात्रों को इन सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी आयु वर्गों की जरूरतों को ये समाचार पत्र पूरा करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास होता है। अब हम बात करेंगे क्लिपिंग की। जिस प्रकार समाचार पत्र सामाजिक अध्ययन विषय के लिए उपयोगी हैं, क्लिपिंग एक लेख, एक चित्र और एक विज्ञापन हो सकता है, जिसे एक शिक्षक समाचार पत्र व पत्रिकाओं से काटकर कक्षा में प्रयोग करता है। क्लिपिंग कई प्रकार की होती हैं, जैसे श्रव्य क्लिपिंग, दृश्य क्लिपिंग और प्रिंट क्लिपिंग। श्रव्य क्लिपिंग वो होती हैं जिन्हें सुना जा सके, जैसे कोई भाषण का अंश या कोई पूरा भाषण या कोई संदेश या कोई विज्ञापन। दृश्य क्लिपिंग वो होती हैं जिन्हें देखा जा सके, जैसे कोई दृश्य, कोई विज्ञापन और कोई घटना। प्रिंट क्लिपिंग वो होती हैं जो छपाई के रूप में हमारे पास प्राप्त होती हैं, जैसे समाचार में छपी हुई कोई घटना, समाचार पत्र में छपा हुआ कोई चित्र, लेख या संपादकीय। अब प्रश्न उठता है कि इन क्लिपिंग का या कतरनों का एक शिक्षक कक्षा में किस प्रकार से प्रयोग करे। किसी भी विषय वस्तु से संबंधित क्लिपिंग एक शिक्षक बुलेटिन बोर्ड पर अथवा नोटिस बोर्ड पर लगा सकता है। जैसे अगर बजट का सत्र चल रहा है या बजट आ रहा है, तो एक शिक्षक बजट से संबंधित क्लिपिंग को बुलेटिन बोर्ड पर लगा सकता है। ऐसे ही कोई और अन्य विषय लेकर के, समसामयिक विषय लेकर के उसकी क्लिपिंग एकत्रित करके एक शिक्षक उनको बुलेटिन बोर्ड पर लगाकर प्रस्तुत कर सकता है। क्लिपिंग की रिपीट, एक शिक्षक छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्लिपिंग की फाइल बना सकता है। वह छात्रों को कह सकता है कि वह एक विषय पर क्लिपिंग इकट्ठी करें और उनको एक फाइल में संकलित करें। क्लिपिंग एक शिक्षक को परिचर्चा में भी मदद करती है। जब हम किसी समसामयिक विषय पर परिचर्चा कक्षा में आयोजित करते हैं, तो हम क्लिपिंग का सहारा ले सकते हैं या क्लिपिंग को आधार बनाकर एक शिक्षक कक्षा के अंदर परिचर्चा का आयोजन कर सकता है। तो परिचर्चा में क्लिपिंग बहुत उपयोगी संसाधन के रूप में काम आती है। क्लिपिंग का प्रयोग एक शिक्षक अपनी पाठ की प्रस्तावना में भी दे सकता है। जैसे कोई समसामयिक विषय के ऊपर एक शिक्षक कक्षा में अपनी पाठ्यवस्तु प्रस्तुत करता है, तो वह उसी दिन के अखबार में या समाचार पत्र में छपी हुई कोई खबर की क्लिपिंग से अपने पाठ की प्रस्तावना को दे सकता है। इस प्रकार छात्रों क्लिपिंग, समाचार पत्र और पुस्तकें सामाजिक अध्ययन विषय के लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन हैं। इनके माध्यम से एक शिक्षक अपने पाठ को रोचक बना सकता है, सरल बना सकता है और बोधगम्य बना सकता है। धन्यवाद।